तो आज हमारे बीच में अनुराग जी, इनकी ही नर्सरी है, इनसे जानते हैं। आज हम जनवरी 3 तारीख हो चुकी है, तो अभी कौन कौन से फूल को लगाने का मौसम है और क्या अभी लगा के हम पौधों से फूल प्राप्त कर सकते हैं यानी? हाँ। सबसे पहले तो मैं दर्शक लोग को नमस्कार करना चाहता हूँ। इस समय जनवरी महीना चल रहा है, ठंडी तो बहुत पड़ रही है और आप इस समय अभी लगा सकते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका डहेलिया का प्लांट, अभी छोटा प्लांट है, ये आप लगाएंगे इस समय लगाएंगे तो ये आपका जा करके फरवरी फरवरी लास्ट में ये खिलना शुरू होगा और मार्च से अप्रैल के बीच ये रहता है आपका। इसमें जेरेनियम भी लगा सकते हैं, जेरेनियम ये आपका अप्रैल मई तक चलता है और फिर आपका पिटोनिया लग जाएगा। पिटोनिया आपका जाके ये आपका खिलेगा जनवरी लास्ट में, ये खिलना शुरू होगा फरवरी मार्च अप्रैल तक रहता है। फिर आपका ये साल्विया प्लांट है, ये भी आपका इस समय लग जाएगा, ये आपका चलेगा अप्रैल मई तक, ये भी जाता है। इसमें कितने कलर होंगे साल्विया में? साल्विया में आपको मिल जाएंगे कम से कम 4 से 5 कलर इसमें आते हैं। वाइट हुआ, रेड हुआ, नीला हुआ, बैंगनी हुआ, एक ऑरेंज हो गया, ऑरेंज भी हो गया, तो 4 से 5 कलर इसमें आ जाते हैं। आपका पेंजी भी इस समय लग सकता है और ये एंट्राइनम का भी लग सकता है इस समय। फिर इधर आपका हो गया मिमुलस का प्लांट है, ये भी आपका इस समय लगेगा, ये पिटोनिया के ही जैसा खिलता है, पूरा गमला कवर करेगा फिर इसमें फ्लावर। ये हाइट नहीं लेता है ना? ये हाइट नहीं लेता है, गमले में ही फैल के खिलता है। हाँ, गमले में फैल के खिलता है। ये आपका गुडेसिया है, ये नया प्लांट है, यहाँ के वातावरण में ये चल जा रहा है, अभी ये जल्दी आया प्लांट इधर। अच्छा, गोरखपुर में। और ये आपका डैंथस हो गया, डैंथस भी बहुत अच्छा प्लांट होता है, ये आपका साल भर खिलता रहता है, केवल 2 महीने बरसात बरसात से बचाना पड़ता है, 2 से 3 महीने। आपका इधर पेंजी हो गया, ये टाइगर पेंजी है। अच्छा, ओके, टाइगर पेंजी है, इसमें आपका हाइब्रिड का बड़ा भी पेंजी आता है। हाँ। ये परमानेंट शो प्लांट है, ज़्यादातर परमानेंट प्लांट ठंडी में तो चल नहीं पाते हैं क्योंकि इसमें शीत के वजह से जो है इसका पत्ती झड़ जाता है और पत्ती झड़ने के बाद ये फिर फरवरी से मार्च के बीच में इसका नया पत्ती आता है, तो ज़्यादा लोग इस पे फोकस नहीं करते हैं ठंडी में, ज़्यादातर आपका सीजन का ही प्लांट लग जाता है। जैसे इस समय ये गेंदा भी आप लगा सकते हैं, ये गेंदे का प्लांट आपका खिलेगा फरवरी में, खिल जाएगा और मार्च अप्रैल मई 3 महीना तक ये रहता है। बहुत तेज धूप में इसको छाया में कर दीजिए तो ये टिका रहेगा। उधर सिनेरारिया दिख रहा है, इधर आपका ये हो गया, वो केवल छाया में ही चल पाता है, उसको धूप का एकदम ही जरूरत नहीं पड़ता है, पानी कम चाहिए। अब वो आपका जाके खिलेगा फरवरी में, खिल जाता है और मार्च और अप्रैल 2 महीना वो रहता है, बहुत ही सुंदर प्लांट है। ये आपका कमल का हो गया, कमल का आपका ये ठंडी में नहीं चल पाता है, इसको गर्मी चाहिए, गर्मी में ही प्लांट निकल पाता है। ये आपका मैरीगोल्ड हो गया, ये ऑल टाइम खिलता रहता है, केवल गर्मी में 2 महीना आपको बचाना है और 2 महीना बचाइए, फिर इसके बाद से आपका बरसात में नया प्लांट निकलना शुरू हो जाता है, उसका कटिंग करके आप लगा के नया प्लांट भी बना सकते हैं। ये साल का मान के चलिए 8 महीना ये खिलता है। ये तो हमारा एलाइसम लगा है, एलाइसम का है, ये आपका हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं और इसको आप क्यारी में डिजाइन के तौर पे लगा सकते हैं, बॉर्डर इसका बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत खूबसूरत ये होता है, पूरा फैल के गमला भर के खिलेगा। इधर आपका ये बीज पड़ा हुआ है, ये आपका रेनिनकुलस होता है, ये गुलाब के तरह पूरा होगा, खिलेगा बिल्कुल, ये भी बहुत सुंदर फूल होता है, ये भी आपका इस समय लगने का समय होता है। वैरायटी क्या क्या डाली है पिटूनिया में? पिटोनिया में आपका इसमें आता है एक टिकोटी आता है, टिकोटी प्लेन कलर में होता है, एक स्टार आता है, स्टार का उसमें शेडेड होगा और एक डैडी आता है जिसमें वो लाइनिंग होता है। ओके। एक डबल पेटल का गुच्छे वाला आता है, उसका फूल बड़ा बड़ा खिलता है, गुच्छे में खिलता है। पिटोनिया में कई सारी वैरायटी, कई कलर होता है। और सारे आपके पास अवेलेबल है? सब मिलेगा हमारे पास, हर वैरायटी का आपको मिलेगा पिटोनिया का।
इसके बाद हमारा इधर गजनिया है, इधर आपका हो गया गजनिया हो गया। गजेनिया भी बहुत लंबा चलने वाला प्लांट होता है, ये आपका जून बहुत सुंदर होता है, अभी से ये अभी से खिलना शुरू होगा, जून जुलाई तक ये प्लांट रहता है और खिलते जाएगा, ये पूरा गमला ऐसे कवर हो जाएगा। इसी में आपका ये है फुलॉक्स का, फुलॉक्स भी एकदम पूरा बंच में ऐसे झोपा झोपा में खिलता है, बहुत ही अच्छा प्लांट ये होता है। इसको भी आप क्यारी में इस्तेमाल कर सकते हैं, गमले में, हैंगिंग बास्केट में, हर जगह लगा सकते हैं। आपकी तो एक ये नर्सरी है, एक और बगल में ही है, हाँ, तो वहाँ चले, वहाँ के भी पौधे देख के आते जी, हैं। जी 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 आई ओ, ये तो बहुत बड़ी नर्सरी है आपकी। इसमें भी आपको सीजनल के बहुत सारे प्लांट मिल जाएंगे, बहुत वैरायटी हमारे पास। दोस्तों आप क्वांटिटी देखिए और वैरायटी देखिए, यहाँ आपको लगभग हर एक सीजनल विंटर के फ्लावर्स मिल जाएंगे। साथ में मुझे पीछे परमानेंट प्लांट्स भी दिख रहे हैं, शो प्लांट्स भी हैं, फिर फ्रूट्स भी मिल जाते हैं आपके पास, और बहुत सारे ऐसे पौधे जो हमारे हम पूजा में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो भी सारे प्लांट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। सीता, अशोक, मोलेसरी, ये सब आपके पास अवेलेबल है, मिलेंगे। सीता अशोक मिलेगा, मोलेसरी मिलेगा, रुद्राक्ष मिलेगा, ये सारे प्लांट हमारे पास। तो उधर नर्सरी में जो हम देख रहे थे बगल वाले में, उसमें अभी छोटे प्लांट्स थे, यहाँ पे एकदम रेडी है, सीज़न के जो टाइम चल रहा है उसके हिसाब से एकदम पौधे तैयार हैं, जिन्हें अभी आप ले जा के लगाएं और तुरंत फ्लावर्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें अगर अभी तक पौधे नहीं लगा पाए हैं तो भी ट्रेन अभी छूटी नहीं है, अभी सीज़न बाकी है, पौधे तैयार हैं बिल्कुल। ये देखिए आप, बस इनको मिट्टी में अच्छे से खाद मिलाइए और ये पौधे लगाइए, और अपने घर को जो आप लुक देना चाहते हैं, अपने किचन गार्डन को, अपने लॉन को, वो आप इन पौधों को लगा के पा सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे स्ट्रॉबेरी भी अवेलेबल है, और ये स्ट्रॉबेरी भी मैं तो नवंबर में लगाया हूँ, और उनकी जो ग्रोथ है सेम ग्रोथ अभी यहाँ पे भी है, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ ये अगर ये पौधे आप लगाते हैं तो लेट नहीं है ये पौधे लगाने के लिए। बिगुनिया, इसका तो मतलब कोई जवाब नहीं है, ये इतना बढ़िया ग्लोब जैसा बना के गमलों में खिलता है, कलर्स भी इसमें मुझे सारे दिख रहे हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये आपका जरबेरा प्लांट हो गया, हाँ जी ये जरबेरा हो गया, इसमें भी कलर्स दिख रहे हैं, येलो, ऑरेंज, रेड, तो ये आपने देखा भी होगा बुकेज में काफ़ी। ये आपका देसी जरबेरा होता है, ये बहुत टिकाऊ प्लांट होता है, ये एक बार ये आप लगा दीजिए, ये बढ़ता रहता है, इसका बल्ब इसमें से आप दूसरे में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, हाँ जी, और ये कभी ख़राब भी नहीं होता है। इसको भी बरसात में केवल एक से दो महीना बहुत बरसात हो तो उससे बचा के आप रखिए, फिर से इसमें प्लांटेशन आप कर सकते हैं, पुराने से नया बना सकते हैं। इसमें भी बहुत सारा कलर आएगा, अभी कुछ कलर तो निकल गया, कुछ अभी निकलना बाकी है इसमें। ये हमारा डहेलिया, ये डहेलिया आ गया आपका, बिल्कुल रेडी है गमलों में लगाने के लिए, बहुत ही अच्छा फूल होता है, बहुत बड़े बड़े फूल खिलते हैं इसमें। ये लाइसम का एक कलर हमने उधर नहीं देखा, प्लांट है आपका। इसमें आपका ये आ गया है, ये डेजी प्लांट आया है, ये भी बहुत सुंदर खिलता है। अच्छा, ये डेजी का कौन सा, एक इनका बेलिस होता है जो बहुत छोटा छोटा खिलता है, ये डेजी का बहुत बड़ा नहीं, छोटा में ही खिलता है, मगर बहुत बंज में खिलता है। हाँ जी, हाँ जी। ये पूरा गमला आपका भर जाएगा और बहुत लंबा ये चलता भी है, बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। इसमें आपका 3 से 4 कलर आता है, जिसमें आपका हो गया सफ़ेद हो गया, गुलाबी हो गया, रेड हो गया, यही सब कलर इसमें आता है। ये स्टॉक का प्लांट है, स्टॉक ये है, ये भी आपका ये अक्टूबर में लगता है, अक्टूबर महीने में। दोस्तों स्टॉक में भी मुझे दोनों वैरायटी दिख रही है, ये सिंगल पेटल है, स्टॉक में आप मान के चलिए मल्टी पेटल भी अवेलेबल है, पेटल में है। स्टॉक में आप मान के चलिए कम से कम 3 से 4 कलर, इसमें 5 कलर इसमें भी आ जाता है, नीला हो गया, बैगनी हो गया, पिंक होगा, वाइट होगा, 5-6 कलर इसमें भी आ जाता है। ये आपका होगा, ये सब कश्मीरी बटन रोज है, ये एकदम
झोपे में पूरा बंच में खिलेगा, बहुत ज़्यादा ये खिलता है। ओके, इसमें आपका कोई बंझा निकलने वाला नहीं होता, इसको आप लगा के कोई भी इसमें बंझा नहीं निकलता, बहुत ही अच्छा ये डेवलप करता है, बहुत ज़्यादा खिलता है और साल का 12 का 12 महीना खिलता है। एक बार इसको लगा दीजिए तो बहुत खिलता रहता है, चलता रहता है। इधर तो गजनिया आपका बिल्कुल ही रेडी है, और दोस्तों गजनिया ज़रूर लगाएं, बहुत खूबसूरत बहुत हार्डी प्लांट होता है, और ये एक पौधा ही पूरे गमले को फुल कर देगा। ये आपका क्लेंचू प्लांट हो गया, क्लेंचू में बहुत ही सारे कलर आते हैं, बहुत अच्छा प्लांट है और ये परमानेंट प्लांट है, एक बार आप लगाइए तो सालों साल ये चलता रहता है, एक प्लांट से कई सारे प्लांट भी बन जाते हैं। इसको ओवर वाटरिंग से बिल्कुल बचाइएगा, साथ में आप इधर देख सकते हैं जो हमारे परमानेंट प्लांट्स हैं, इस पर मैं कभी आपको डिटेल में दूसरे वीडियो में दिखा दूंगा, इस बार सीजनल फ्लावर्स कवर करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा हॉलीहॉक है, ये हॉलीहॉक हो गया, ये आपका एनुअल क्राइसैंथेमम हो गया, इम्प्रेशन हो गया, इम्प्रेशन तो सबसे ही सुंदर प्लांट होता है, बहुत ही लाजवाब इसका फूल होता है, बहुत लंबा ये टिकाऊ होता है। इधर आपका ये पेंजी हो गया हाइब्रिड वाला, उधर हम लोग दिखाएं ये छोटा फूल वाला था, ये बड़े फूल वाले पेंजी हैं, इसका फूल का साइज बड़ा आएगा, ये भी आपका अप्रैल महीने तक चलेगा। दोस्तों ये तो मेरा फेवरेट प्लांट है जिरेनियम, इसका एक और एडवांटेज क्या होता है, इसकी स्मेल होती है, इसकी पत्तियों में भी स्मेल होती है, तो ये मॉस्किटो रिपेलेंट प्लांट भी माना जाता है। इसको अगर आप इंडोर रखते हैं, वैसे तो धूप की इसको ज़रूरत होती है विंटर्स में, बट अगर आप इसको इंडोर रखते हैं तो मच्छर नहीं आते हैं घर में। ये आपका ऑस्टर प्लांट है, ऑस्टर है, ओके, ये आपका हवा भी शुद्ध करता है और फूल भी बहुत सुंदर इसमें आते हैं, ऑस्टर का अब बहुत ही सुंदर ये प्लांट होता है, फूल भी बहुत सुंदर आता है। इसमें का डहेलिया का एक और वैरायटी है, ये मिनिएचर डहेलिया होता है, इसका छोटा छोटा फ्लावर आएगा, बहुत सारा खिलेगा, ये भी इस समय आपका लग सकता है। ये हाइट क्या होती है इस प्लांट की? इसका हाइट आप मान के चलिए ज़मीन में तो वही होगा 1-1 फीट, गमले में आपका वही 8-8 इंच होता है। ओके, बहुत हाइट नहीं होता है, बहुत हाइट नहीं होता इसका। दोस्तों स्ट्रॉबेरी भी यहाँ अवेलेबल है, आप लगाइए बिल्कुल, मैं तो 4 साल से यील्ड दे रहा हूँ स्ट्रॉबेरी की, और बहुत अच्छी खासी वॉल्यूम में निकलता है, एक एक प्लांट में आप एवरीडे 2-3 तोड़ सकते हैं, इतना स्ट्रॉबेरी निकल जा रहा है। इस वाले स्ट्रॉबेरी में अभी से फ्लावर आ रहा है, क्योंकि ये सीजन भी है फ्लावर आने का, राइट, और अभी ये लगेगा तो आपका ये अप्रैल मई तक चलता है। ये आपका बड़ा वाला रोज है जो ये बडिंग करके तैयार किया जाता है। ओके दोस्तों, रोज़ की वैरायटी देखिए, लगभग आपको सारे कलर यहाँ मिल जाएंगे, सिंगल कलर यहाँ आपको एक से एक कलर का गुलाब मिलेगा, बहुत ज़्यादा तादाद में गुलाब हमने मंगा के रखे हुए हैं, कलर तो बहुत ही अच्छा अच्छा कलर है। इसमें आपको शेडेड गुलाब भी मिल जाएंगे, एक में एक ही फूल में कितने कलर होते हैं, कलर देखिए, ये सब बहुत प्यारे कलर होते हैं, ये आबरा डाबरा गुलाब के नाम से जाना जाता है। ओके, थोड़ा सा मैं आपके प्लांट्स का रेट भी जानना चाहूँगा, जैसे पिटूनिया, डाइंथ्रस, कार्नेशन, स्टॉक, सभी वैरायटी है आपके पास सीजनल फ्लावर की? यहाँ आपको मिल जाएगा पिटूनिया जो है एकदम बड़े थैले में घना पूरा डेवलप पौधा, 15 रुपये का एक पीस आपको मिलेगा, स्टॉक आपको 10 रुपये का मिल जाएगा, गेंदा आपको तैयार जो है 2 रेट का है, 1 10 का है, जो तैयार वाला है बड़ा कली में वो 15 का मिल जाएगा, डहलिया आपको तैयार बड़ा पेड़ 15 का मिल जाएगा, इसमें आपको एलाइसम 10 रुपये का मिल जाएगा, हॉलीहक आपको 10 का मिलेगा, तो यही सब रेट है हमारे यहाँ पौधे का। गजेनिया आपको तैयार पौधा 15 का मिल जाएगा, वारबीना आपको 15 का मिलेगा तैयार, और बिगोनिया
बिगोनिया आपको 20 रुपये का मिल जाएगा, वो भी तैयार कली में लगा हुआ है। और ये जरबेरा अभी क्या रेट है आपके पास? जरबेरा अभी आपको तैयार जो है कली में मिल जाएगा, 50 रुपये का पर पीस है। अच्छा, तो उसमें कई कलर के हैं। और एडेनियम में भी काफ़ी वैरायटी में देख रहा था आपके पास अवेलेबल है, एडेनियम क्या रेट का? एडेनियम आपको देसी जो है मिल जाएगा, वो 70 रुपये का पर पीस है। और आपको हाइब्रिड जो ग्राफ्ट वाला मिलेगा वो 250 रुपये का पर पीस है।